भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आज दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। आज विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत के तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम। और भारत की इस प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म थे, उस रिफॉर्म को भी हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है। आदरणीय सभापति जी, हम उस सिद्धांतों को समर्पित है जिसमें भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार सर्वपंथ संभव, उस विचार को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण की राजनीति भी देखी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टिकरण नहीं,
संतुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, इस सिद्धांत को लेकर के हम चले हैं। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को देखने परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हमें फिर एक बार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से और कितने उच्च आदर्शों को लेकर के अपने विवेक का सद्बुद्धि से उपयोग करती है। और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने, देश की जनता के सामने नम्रता पूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमारी नीतियों को देखा है, हमारी नियत, हमारी निष्ठा, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए। हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को 4 चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है।